साक्षी महाराज उन्नाव से सुनिए। अकेले कहीं भी खड़ा होने में सक्षम नहीं हुआ तो महागठबंधन बना लिया। जिस महागठबंधन को जनता ने महाठगबंधन कहा, हम लोगों ने उसे महामिलावट कहा, तो महाठगबंधन तार तार हो रहा है, कहीं महाठगबंधन दिखाई नहीं दे रहा। आप उन्नाव में देखेंगे सबकी जमानत जब्त होगी और 5 लाख से अधिक मतों से जीत कर मैं दिल्ली पहुँचूंगा। जहाँ तक आप मेरी बात करते हैं, हमारा NDA तो बहुत पहले से, माननीय अटल जी के जमाने के पहले से NDA चला रहा है। हमने किसी से भयभीत होकर के NDA नहीं बनाया है। हम पूरे बहुमत में थे तब भी NDA हमारे पास था, लेकिन जो जिन लोगों ने अभी महागठबंधन बनाया है, मोदी से भयभीत होकर के महाठगबंधन बनाया है, उसका कोई औचित्य नहीं है। बाबा संसद पहुंच रहा है, बाबा ही संसद नहीं पहुंच रहे हैं। अब की बार 400 पार हो रहा है और भारी बहुमत से सरकार बन रही है। आपके इलाके में अभी भी पानी की बड़ी समस्या है, सड़कें अभी भी नहीं, आपके सामने जो पोलिंग इतनी बढ़िया सड़कें किसी जिले में नहीं होंगी जितनी बढ़िया सड़कें उन्नाव में है। पानी की समस्या के लिए अमृत योजना लेकर के हम आए हैं। मुझे लगता है 6 महीने के अंदर यहाँ की जनता को गंगा जल पीने को मिलेगा। साक्षी महाराज जी हम लोगों के साथ मौजूद हैं, हमारे साथ नहीं तुमको नहीं ले जाएंगे। तो ये उन्नाव की सीट पर देखिए अन्नू टंडन कांग्रेस के वही नेता हैं जिनको आप तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश में मुझे याद है जब राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा पहली बार लखनऊ जा रही थी तब भी सबसे आगे पूरा मैनेजमेंट संभाल रही थी। उन्नाव में वो साक्षी महाराज को चुनौती दे रही हैं, लेकिन साक्षी महाराज ये दावा करते हुए कि जमानत जब्त हो जाएगी विरोधियों की और उनको जबरदस्त जीत मिलेगी। बहरहाल ये वो लड़ाई है उत्तर